हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल अनुष्का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेल स्लीव्स की थ्योरी बताने जा रही हूँ। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट लिखेंगे, यहाँ हेडलाइन दे दिए हैं बेल स्लीव्स की थ्योरी। कपड़ा 1 मीटर, बेल बाजू की पूरी लंबाई है 18 इंच यानी कि तैयार लेंथ, स्लीव्स लेंथ यानी कि कटिंग के लिए 11 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन सिलाई के लिए 12 इंच हो जाएगा। स्लीव्स के आर्म होल 9 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए तो 10 इंच हो जाएगा। स्लीव्स की मोहरी 5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए 6 इंच हो जाएगा। बेल की लंबाई 7 इंच प्लस 1 इंच 8 इंच हो जाएगा, मोहरी 6 इंच। यहाँ पे नोट लिख लीजिए, इसे बनाने के लिए 1 या 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 1.5 मीटर कपड़ा में हल्का बेल बनता है फ्रेंड और 1 मीटर में अच्छे से होता है। नाप के अनुसार यह स्लीव्स की कटिंग 4 फोल्ड में होती है। इसकी बेल में चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यह स्लीव्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स की थ्योरी बनाएंगे। स्लीव्स की लंबाई है 11 इंच प्लस 1 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए तो 22 इंच हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई है 10 इंच सबसे पहले हम मोहरी ले लेंगे। तो स्लीव्स की मोहरी है 5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और इधर से 3 इंच पर निशान लगाकर बाजू की कटिंग करेंगे। जैसे 3 इंच पर इस तरह से और इसको यहां से सीधा मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ से कटिंग होगा, फिर यहाँ से इस तरह से कटिंग होगा 6 इंच। छ इंच मोहरी लंबाई 12 इंच, स्लीव्स। अब चलिए बेल की थ्योरी बनाते हैं। तो हम पूरी लंबाई ले लेंगे 11 इंच, चौड़ाई भी 11 इंच ले लेंगे। देखिए कपड़ा 4 फोल्ड,
यहाँ से रुपये अरेंज कर लेंगे। देखिए इस तरह से ग्यारह इंच है, यहाँ से भी ग्यारह इंच, इधर से भी और इधर से भी ग्यारह इंच। सबसे पहले हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो हम एक कपड़ा फोर फोल्ड है, यहाँ से नाप कर देख लेंगे तीन तीन इंच पर लगा कर कि मेरा छः इंच होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से तीन इंच छः इंच पूरा हो जाता है। तो मैं यहाँ से कॉर्नर से ऐसे रख कर तीन तीन इंच पर डॉट डॉट दे देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मेरे स्लीव्स की लंबाई है एट इंच, तो यहाँ एट इंच पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ भी एट इंच पे लगाएंगे और यहाँ से नाप लेंगे एट इंच और उसके बाद तीन इंच ग्यारह इंच हो जाता है। तो ग्यारह ग्यारह इंच पे पूरे में निशान लगाते जाएंगे इस तरह से रख कर कॉर्नर से। और इस तरह से सबको मिला लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से गोलाई में कटिंग। फ्रेंड इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दें, यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो हमारे स्लीव्स की कटिंग थ्योरी तैयार हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।